हमको रेलवे बोर्ड ने मैंडेट दिया था कि हम लोग 160 KMPH तक की लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने के लिए नया इंजन डिज़ाइन करें। उसकी हमने इन हाउस पूरी डिज़ाइन करी है और उस दौरान हमने इस कई परिवर्तन किए हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है, उसमें हमने वेट रिड्यूस किया है, गियर रेशो चेंज किया है, 3D मॉडलिंग करी है, फाइनेट एनालिसिस कराई है और उसके बाद सिमुलेशंस करके हम लोगों ने नई डिज़ाइन करी है जो लोग को हमारा अब 160 KMPH के लिए हमारी तरफ से डिज़ाइन स्पीड है। इसको हमने नॉर्दर्न रेलवे में गाजियाबाद शेड को भेजा हुआ है जो इसकी आगे ट्रायल्स करा रहे हैं RDSO के साथ मिलकर, और उन ट्रायल्स में हमारी जो निर्धारित प्रक्रिया है उसमें जो हमारी स्पीड होती है उससे करीब 10% अधिक स्पीड पर हम लोग उसको चलाते हैं। तो अभी जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें ये 180 तक इसने प्राप्त किया है। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको RDSO एनालाइज कर रहा है और उसके बाद RDSO अगर उसको पाएगा कि सब ठीक है तो वो आगे हमको अनुमति देगा नॉर्दर्न रेलवे को कि इसको कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के पास एप्लीकेशन भेजें ताकि इन लोगों को हम 160 KMPH के लिए फिट माना जाए। जब वो अनुमति मिल जाएगी तब इन पैसेंजर ट्रेन में इनको लगाया जा सकता है। कौन कौन से ब्लैक ट्रेन में इसे लगाया जा सकता है? ये जैसे मैंने बताया अभी राजधानी है या दुरंतो है, ये जब जो LHB की कोच की ट्रेन है जो अभी लगभग 130 के अलग अलग सेक्शंस में चल रही हैं, इनको हम उम्मीद करते हैं कि 160 तक बढ़ाया जा सकेगा जहाँ जहाँ ट्रैक इस काम के लिए फिट पाया जाएगा। ये अभी क्या देश में सबसे फास्ट लोको है? ये अभी इस वक्त तो ऐसा है कि ये WAP-7 लोको है जो हमने डिज़ाइन किया है, इसके साथ साथ एक हमने WAP-5 लोको भी डिज़ाइन किया जो 200 KMPH के लिए डिज़ाइन है और वो भी ट्रायल्स में है और वो लेकिन कंपेरेटिवली छोटी ट्रेन्स में चलेगा क्योंकि उसका ट्रैक्टिव एफर्ट कम होता है, तो वो अगर आ जाएगा तो हो सकता है उसकी स्पीड भी 200 तक पहुँचे या उससे कुछ पहुँचे, तो उस वक्त ये निर्धारित हो पाएगा कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन होगी। लेकिन दोनों की आवश्यकता अलग अलग है, लंबी दूरी ट्रेनों की आवश्यकता अलग है, छोटी दूरी ट्रेनों की आवश्यकता अलग है। नहीं, ये हमारा पूरी तरह से इन हाउस है क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है हम विदेश से पहले लाए थे और उसको हम अपने आत्मसात कर चुके हैं और इस पूरी टेक्नोलॉजी पूरा काम हमारे यहाँ जो इन हाउस डिज़ाइन ऑफिस है उसमें हुआ है। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার, গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ মারণ সেন্সেশন, রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।